सो गाइस फाइनली आई हैव अराइव्ड टू द मिरामर बीच। मिरामर का नाम सुनते ही पबजी याद आता है। तो गाइस इट्स 8 o'clock एंड स्टिल वी डिडंट रीच। एक और स्टॉप आना बाकी है, दिस इज द सेकंड लास्ट स्टॉप। इसके बाद तीवीम आएगा। तो 7 बजे पहुंचना था मुझे, बट 8 बज गए हैं यहीं पे, तो 8:30 तक पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा प्लान में गड़बड़ हो गया है, बट वी विल मैनेज एनी हाउ। We have reached the station. बहुत ही ज़्यादा गर्दी है। तो मैं अभी चल के जा रहा हूँ बाइक रेंटल एजेंसी की ओर। वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। यहाँ के ऑटो वाले कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं, तो मैं सोचा चल के जाता हूँ। अभी ऑटो वाला 300 पूछ रहा था सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए, तो मैं इससे अच्छा चल के जाता हूँ। एक्चुअली ये गलती हो गया कि मैंने स्कूटी के लिए एडवांस पेमेंट किया नहीं, तो मेरे लिए स्कूटी रखा ही नहीं इन्होंने। तो अभी मैंने इनको रिक्वेस्ट किया प्लीज़ कैसी भी स्कूटी अरेंज कर लो, बिकॉज आजू बाजू में कोई रेंटल एजेंसी भी है ही नहीं और मुझे बीच तक कैब में नहीं जाना है, बिकॉज उस पर ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला है वेट करें हाफ एन आवर, मैं स्कूटी अरेंज करके देखता हूँ। तो आई एम वेटिंग फॉर माई स्कूटी। अगर आपको स्टेशन के बाहर स्कूटी चाहिए तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप इनको कॉन्टैक्ट करो और आपका एडवांस पेमेंट भरो। भले लाइक यू पे जस्ट 100 रुपीज़, बट एडवांस पेमेंट कर दो, बिकॉज एडवांस पेमेंट करेंगे तो जब आप ट्रेन से उतरोगे तो यहाँ पर आपका स्कूटी रेडी रहेगा। अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं भरोगे तो यू शुड वेट लाइक मी एज एन इडियट। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो, मैंने जो गलती की है मत करो। और मेरे साथ अभी कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो स्कूटी का जो भी प्राइस है वो मुझे अकेले डालना पड़ेगा, कोई शेयरिंग नहीं होगा। दिस इज माई सेटअप। तो अभी मेरे चेस्ट पैड पे मैं लगाता हूँ। तो गाइस आई हैव फाइनली रीच द हॉस्टल। ये हॉस्टल का नाम है वाइट बालकाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अभी 12 बज रहे थे, तो थोड़ा वेट करूँगा फॉर चेक इन। तो मैं आपको हॉस्टल का टूर भी देता हूँ। अभी एक बंदे ने चेकआउट किया तो उसका बेड मुझे देंगे, तो बोले कि और आधा घंटा वेट करो, अच्छे से साफ करके देंगे। मैं आपको बाहर का टूर दिखाता हूँ इसका, फिर अंदर जाके टूर देता हूँ मुझे बेड मिलने के बाद। एंड दिस इज माय स्कूटी। यहाँ पर आप लोग बैठ के कॉफ़ी टी अगर कुछ पी सकते हो, सिर्फ चिल मारने के लिए। सो गाइस दिस इज़ माय रूम। यहाँ पर 4 बेड है एंड इट्स एन एसी रूम। सो द कॉस्ट फॉर दिस रूम फॉर 2 नाइट इज ₹1500। तो अगर आप 8 बेड वाला ले रहे हो या 6 बेड वाला ले रहे हो तो आपको और चीप में गिरेगा। मैंने 4 बेड का लिया था और मुझे ये वाला बेड दिया है। मैंने पूछा उनको ये बेड दे दो, बट दिस वन इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो मैं भी फ्रेशअप होता हूँ और एक आधा घंटा लेट जाऊंगा, एक नैप लूंगा, देन आई विल गो टू सम प्लेस एंड विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टुडे। सो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ। तो अभी 1 बज रहा है, मैं पहले एक चर्च विजिट करूँगा, उसके बाद अपना लंच करके बाकी का लोकेशन विजिट करूँगा। सो दिस इज़ माय बेड, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है और ये मेरा लॉकर है, मैंने सब कुछ रख दिया है। मेन चीज़ भूल गया मैं, स्कूटी की। This is the place where you can sit and relax. अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अभी जाता हूँ, शाम को टाइम रहेगा तो यहाँ पर आकर थोड़ा रिलैक्स करूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च, तो मैं वो चर्च जाके आपको मिलता हूँ। तो मैं अभी बाइक चलाते हुए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मैं मोबाइल अभी मैप के लिए यूज़ करने वाला हूँ। और प्रॉब्लम क्या है कि तो मोबाइल में मैप के लिए बाहर रखता हूँ और मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है टर्न ऑफ योर फोन, इट इज़ गेटिंग टू हॉट करके। तो ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर। हॉस्टल बहुत ही प्यारा है, यहाँ का वाइब्स बहुत ही अच्छा है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो मैं अभी 2 नाइट यहाँ पर स्टे करके देखता हूँ, उसके बाद आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। सो गाइस दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप फॉर टुडे एंड दिस चर्च इज़ नोन एज इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च।
तो इसके एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर एक चैपल हुआ करता था, यहाँ के जो सेलर्स और फिशरमैन है बिफोर दे आर गोइंग टू द सी दे विल कम हियर एंड दे विल प्रे, और उनका काम होने के बाद अगेन दे विल कम एंड दे विल थैंक गॉड फॉर डिलीवरिंग देम सेफली। कुछ सालों के बाद इस चैपल तोड़ के वो लोग ने एक अच्छा चर्च बनाया, तो दिस इज द चर्च एंड आप देख सकते हो इस चर्च में वहाँ पर एक क्राउन है ऊपर, तो दैट क्राउन इज ऑल्सो नोन एज द क्राउन ऑफ पानाजी। ये क्राउन बहुत दूर से भी दिखता है, तो ये है इसकी स्टोरी। एंड गाइज यू हैव टू ट्रैक 78 स्टेप्स टू गो टू दैट टॉप। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं नीचे से आया तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्टेप्स था और यहाँ पर भी स्टेप्स थे, सो टोटली यू हैव टू ट्रैक 78 स्टेप्स टू रीच द टॉप। तो मैं ऊपर जाके कुछ व्यू निकालता हूँ। आज कोई दूसरा कैमरामैन मेरे साथ नहीं है तो मेरा बी रोल शॉट्स नहीं आएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री बैन है अभी फिलहाल, एंट्री बैन है तो ऊपर नहीं जा सकते। Let's say a final goodbye to this church. तो गाइस आई एम डन विथ माई लंच नाउ, इट्स 2:30। तो अभी मैं बॉम ऑफ बेसिलिका चर्च जाऊँगा, तो यहाँ से 30 मिनट्स दूर है, इट्स 11 किलोमीटर फ्रॉम हियर, सो आई विल गो देयर एंड आई विल कैच अप देयर। बाय। सो हियर इट्स रिटर्न, नो फोटोग्राफी। फोटोग्राफी अंदर जाके नहीं कर सकता, मैं बाहर आके आपको मिलता हूँ। गाइस अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, वरना जो सेंट सेवियर का जो रिमेंट्स रखा है मैं उसका फोटोग्राफी करता था, बट इट वॉज नॉट अलाउड। ऑल्सो द नेम ऑफ द चर्च इज बॉम जीसस विच इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है होली जीसस। मैं इसके पीछे का एक छोटा सा हिस्ट्री आपको बताता हूँ। इट इज़ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ गोवा, ऑल्सो इट इज़ द यूनेस्को रिकग्नाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसके अंदर 400 साल पुराना सेंट सेवियर जो विच हु इज़ मोर नोन फॉर इज थेरोपेटिक हीलिंग पावर्स, उनका रिमेंट्स अभी भी अंदर है एंड इट इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन एंड दे टेक आउट आफ्टर एवरी डिकेड। एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन पोर्टुगीज ओरिजिन। इसके पीछे एक और स्टोरी है जो आप देख सकते हो, इसका फ्रंट एरिया इसमें प्लास्टर नहीं लगाया बिकॉज एक कन्वर्जनिस्ट था, वो एकदम ओवर एंथुजियास्टिक था, तो उसने क्या बोला यहाँ पर प्लास्टर नहीं लगाएंगे तो ये और ज़्यादा टिकेगा। तो एनीहाउ मतलब अनफॉर्चुनेटली दैट वॉज नॉट ट्रू, दैट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, बट उसके बाद भी किसी ने प्लास्टर क्यों नहीं लगाया वो नहीं पता, बट दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट। आप देख सकते हो इस पर प्लास्टर नहीं लगाया, मैं आपको क्लोजली दिखाया था, आप लोग इसमें नोटिस करो, इस पर प्लास्टर नहीं लगाया और अभी तक ऐसे ही है। So guys, if you have enjoyed that timeless, then do hit the like and the subscribe button. Let's say a final goodbye to this church. So cathedral church, यहाँ से 6 मिनट वॉकिंग है, 2-3 मिनट गाड़ी चलाना है मुझे। So guys, we have reached a cathedral church. Actually बहुत ही नज़दीक था, मुझे पता नहीं था। This is dedicated to Saint Catherine. The story behind was like honor feast day, Alfonso defeated the Muslim army and he took possession of this Goa and he took control of this Goa. So after that this church is dedicated to her and there is a small chapel inside with a name. Anyways matlab andar entry allowed nahi hai filhal, to bahar se mujhe dekhna pad raha hai. This Saint Cathedral church has a bell which is often referred as a golden bell and is famous in the world, and it is also famous for its rich stone. As you can see there is a museum here. This one is a church aur ye wala museum hai. गाइस अभी जो चैपल ऑफ अ लेडी चर्च है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, इट्स लाइक 1.3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ अभी। सो गाइस नाउ वी आर एट चैपल ऑफ अ लेडी चर्च, यहाँ पर कुछ तो शूटिंग चल रहा है, दे आर नॉट अलाउिंग अस टू गो देयर बिकॉज आई थिंक कुछ तो शूटिंग चल रहा है मूवी या कोई एड का। आपको मैंने बताया था कि अल्फोंसो किल्ड मुस्लिम आर्मी ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ सेंट कैथरीन एंड ही टुक द पोजेशन ऑफ अ गोवा, तो दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट। तो
सेंट कैथरीन जो कैथेड्रल चर्च है दैट इज़ ऑन बिहाफ फॉर सेंट कैथरीन एंड व्हेन ही वॉन द वॉर एक्चुअली सर दो अटैक इसने ट्राई किया था. फर्स्ट अटैक गॉट फेल्ड व्हेन अल्फोंसो ट्राई टू अटैक मुस्लिम आर्मी दे रिवर्टेड बैक दे अटैक्ड बैक ड्यूरिंग द सेकेंड अटैक ही सक्सेसफुली वॉन एंड आफ्टर इज विन उसने ये चर्च कंस्ट्रक्ट किया है. तो दिस इज द चर्च आप देख सकते हो वहाँ पर कुछ तो शूटिंग चल रहा है. सो वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है तो मैं यहाँ से रिटर्न निकलता हूँ. एक फेक स्टोरी सच लग रहा है कि उनको क्या लगता है कि डोना एंड पोला टू डिफरेंट पीपल एंड डोना इज़ अ फिशरमैन एंड पोला एक पोर्चुगीज किंग की लड़की है एंड शी लव्ड अ फिशरमैन बट उनका डैड ने एग्री नहीं किया सो दे बोथ सुसाइडेड. दिस इज़ अ फेक स्टोरी. द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस इज डोना पोला इज़ अ लाइक एक ही लड़की है एक ही नाम है एंड शी वॉज वेरी काइंड टू दिस विलेजर्स. वो यहाँ के विलेजर्स को बहुत हेल्प करती थी. तो लाइक आफ्टर अ डेथ ये लोग ने इस गांव का नाम चेंज करके डोना पोला रखा. एक्चुअली इसका नाम कुछ और था तो दे चेंज दैट नेम टू डोना पोला इन मेमोरी ऑफ डोना पोला. आई विल हैव दिस एंजॉयिंग दिस व्यू. वेट 4 किलोमीटर फ्रॉम हियर टू गो टू मिरामर बीच. तो अभी 6:30 बजने आया. सो गाइस फाइनली आई हैव अराइव्ड टू द मिरामर बीच. मिरामर का नाम सुनते पबजी याद आता है. पहले गूगल में सर्च किया था लाइक टॉप बीचेस टू विजिट इन नॉर्थ एंड साउथ गोवा तो उसमें मिरामर बीच भी आया था. तो मैंने फिक्स कर लिया कि ये जाऊँगा कुछ भी होने दे एटलीस्ट इस नाम के लिए तो जाऊँगा. आज बहुत भागम दौड़ी किया है सो आई नीड सम रेस्ट एटलीस्ट फॉर 1 आवर. यहाँ पर मैं बैठूँगा आराम से चिल करूँगा. व्लॉग बहुत हो गया आज ऑलरेडी. वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी. तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिक था बिकॉज मैं कल पूरा ट्रैवल करके आया तो रात को भी ठीक से नींद नहीं था और मैं पूरा दिन घूम रहा हूँ. तो आप लोग ये गलती मत करो. अगर आप गोवा का प्लान कर रहे हो तो ऐसे प्लान करो जैसे कि लाइक यू लैंड इन गोवा बाय इवनिंग टाइम. तो आप लोग रात अच्छे से निकालो यहाँ पर एंड नेक्स्ट डे यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. तो मैंने आज टोटली 4 चर्चेस कवर किए देन आफ्टर दैट डोना पोला पॉइंट एंड दिस मिरामर बीच. तो टोटली आई हैव कवर्ड 6 प्लेसेस फॉर टूडे. सो आई होप दैट यू गाइस एन्जॉयड दिस वीडियो एंड इफ येस देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन. सो एज यूजुअल ड्रीम बिगर अचीव बिगर एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. Having said that, signing off. आपका बनता है. We could do this right. We'll find the remedy. Oh, would you stay with me now?